दवाई से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक हर जगह पर केमिकल का उपयोग होता है। वक्त के साथ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि भारत में केमिकल इंजीनियर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर आप केमिकल या उससे जुड़ी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। केमिकल इंजीनियरिंग विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रॉ मटेरियल का उपयोग करके कोई उपयोगी प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कई तरह के केमिकल को प्रोसेस करने के बाद उसे एक दवाई का रूप दे दिया जाता है। तो इस तरह के काम सब केमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत होते हैं जिसमें केमिकल इंजीनियर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केमिकल इंजीनियर्स के काम की बात करें तो वे केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे काम करते हैं। केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल प्लांट डिजाइन करना, केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी मशीनरी को जरूरत के हिसाब से तैयार करवाना, किसी नई दवाई की खोज के लिए बायोटेक कंपनी के साथ टेक्निकल कार्य करना। केमिकल इंजीनियर केमिकल इंडस्ट्री के अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, पैट एंड डाइज इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं। इनके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, मिनरल प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम प्लांट्स आदि फील्ड से भी जुड़ी हुई है। अगर आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप चाहें तो इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसे आप 10वीं पास करने के बाद किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के जरिए कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। इसके अलावा 10वीं के बाद से ही आपको तैयारी करनी होती है। केमिकल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले अच्छे मार्क्स के साथ 10वीं पास करें। इसके बाद 11वीं और 12वीं को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय के साथ पास करें। 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ आप IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। 12वीं पास होने के साथ ही आप IIT एग्ज़ाम दें। IIT में दो एग्ज़ाम होती हैं, एडवांस और मेंस। इन एग्ज़ाम्स के ज़रिए आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। बहरहाल IIT में आए मार्क्स के आधार पर आपका किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा जहां पर आपको केमिकल ब्रांच चुननी है। इसके बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग में BE या BTEC कर पाएंगे और एक केमिकल इंजीनियर बन पाएंगे। केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको किसी अच्छे कॉलेज की तलाश जरूर होगी। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉलेज चुनना चाहते हैं तो आप IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, कोलकाता में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बारी आती है नौकरी करने की। भारत में कई सारी कंपनियां हैं जो केमिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। इनमें प्रमुख कंपनियां हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड हैं। केमिकल इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी एक फ्रेशर के तौर पर 2.5 लाख से 3 लाख रुपये सालाना हो सकती है। इसके बाद इनके वर्किंग स्किल और अनुभव के आधार पर इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। केमिकल इंजीनियर एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आप केमिकल से जुड़ी हर कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। वैसे भी हर कंपनी में केमिकल से संबंधित काम तो होता ही है, काफ़ी कम ही कंपनियों के ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिना केमिकल के किसी उत्पाद को तैयार करते हैं। ऐसे में केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड वर्तमान और भविष्य में हमेशा बनी ही रहेगी। अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं तो ये फील्ड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiareviews.com पर विजिट करें।